नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। सुल्तानपुर में आज ग्रामीणों की सक्रियता से गोवंशों से लदा ट्रक बरामद हुआ है। हालांकि मौका देखते ही ट्रक चालक फरार हो गया। हैरानी की बात तो ये रही कि ट्रक में लदी सभी गोवंशों की मौत हो चुकी थी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस से कार्यवाही शुरू कर दी है और मामले की पड़ताल में जुट गई है। दरअसल ये मामला है देहात कोतवाली के कमनगढ़ गांव का। इस गांव में आज सुबह हरियाणा के रजिस्ट्रेशन नंबर की एक ट्रक संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ी दिखाई दी, जिस पर ग्रामीणों ने तहकीकात शुरू की। ग्रामीणों को तहकीकात करता देख ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं ग्रामीणों ने जब ट्रक खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। ट्रक में कुल 11 गोवंश थे, जिनमें सबकी मृत्यु हो चुकी थी। आनन फालन पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी गोवंशों को गड्ढा खोद कर दफनाने में जुट गई, साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही में जुट गई। क्या नाम है भैया? बाबू प्रधान नाम है। क्या मामला हुआ है? हमारे यहाँ सुबह सूचना मिली हमें कि एक ट्रक खड़ी है जिसमें बैल लदा हुआ है। आए देखे तो मृतक हो गई थी सबकी। तो पुलिस सूचना दिए, पुलिस आई मौके पे, पोस्टमार्टम हुआ, आगे कार्रवाई हो रही। गाड़ी कहाँ की है? गाड़ी है पंजाब की है। ये आज सुबह एक सूचना मिली स्थानीय लोगों के माध्यम से कि एक कंटेनर जिसका नंबर HR55S5086 है, उसमें कुछ गोवंश लदे हुए हैं और वहाँ पे खड़ा हुआ है। इसी सूचना पर स्थानीय थाना कोतवाली देहात पुलिस पहुँची और उनको कब्जे में लिया। जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई जा रही है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई जाएगी। इनकी गिरफ्तारी एवं अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं वो सुनिश्चित कराई जाएगी। कुछ मृत अवस्था में पाए गए हैं तो उनकी जो PM की कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित कराई जा रही है और जो अभियोग बन रहा है वो उसको अभियोग पंजीकृत कराकर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। सर, क्या ड्राइवर फरार हो गया? वहाँ पर जो मौके पर कंटेनर के ड्राइवर और जो अन्य लोग थे वो फरार हो गए हैं, वो तस्दीक करके उनको जल्द ही गिरफ्त में लिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।